इस दुनिया में हर किसी को बहुत जल्दी है और इसी तरह से हर किसी की समस्याएं भी अलग अलग हैं। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को जॉब की और किसी को वर्कलोड की। कोई अपनी वाइफ से परेशान है तो कोई अपने हस्बैंड से, और कुछ ऐसे हैं जिनसे पूरा मोहल्ला परेशान है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि जेन्युइन हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो होती तो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन हमने उनको इतना बड़ा बनाया हुआ है कि अभी तक हम उनसे अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसी ही एक छोटी सी प्रॉब्लम है सुबह सुबह उठने की, और इस छोटी सी समस्या को लेकर आज भी लाखों करोड़ों लोग परेशानी में हैं। आज हम बात करेंगे कि इसी छोटी सी समस्या से आप किस तरह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये ज्ञान देने नहीं आया हूँ कि सुबह उठने के क्या फायदे हैं, क्या हानियाँ हैं, ये तो सभी को पता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताने आया हूँ कि दुनिया का कोई भी काम तब तक ही हार्ड लगता है जब तक आप उसको कर नहीं लेते, और जब आपने उस काम को एक बार कर लिया तो उसका मास्टर बनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन के सबसे पहले काम से। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्किडी और आपका मेरे चैनल यूनिक वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू ईयर 2021 आ चुका है और आप सभी ने सोचा होगा कि इस साल कुछ तो नया करेंगे, तो शुरुआत करते हैं दिन के सबसे पहले काम से। गाइस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई बिजनेसमैन हो या कोई प्राइवेट जॉब करता हो या फिर कोई एक्टर हो, इन सभी में आपको दो चीजें बहुत ज्यादा कॉमन मिलेंगी, और वो है कि ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और बिजी होने के बाद भी ये सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। और अगर आप भी जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी एक दिन पहले करनी होती है। यानी कि आपको सबसे पहले करना है अपना अलार्म सेट, जितने बजे भी मॉर्निंग में आप उठना चाहते हैं। अलार्म सेट करने के बाद आपको जाना है किसी भी मिरर के सामने, जो भी मिरर आईना आपके घर में मौजूद हो, और उस मिरर के सामने खड़े होकर अपनी खुद की आंखों में आंखें डालकर आपको बोलना है, देर से उठने की आदत बंद और सुबह जल्दी उठना चालू, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह सुबह जल्दी उठूंगा ही उठूंगा। गाइस, इस स्टेप का असर आपको अगले दिन मॉर्निंग में पता लगेगा। तो आप अपना अलार्म सेट करेंगे, चाहे आप अपना मोबाइल का यूज करें या किसी भी वॉच का। फ्रेंड्स, आपने जहां भी अपना अलार्म सेट किया है उस चीज को आप अपने पास नहीं रखेंगे। आपको अपना मोबाइल या अपनी वॉच इतना दूर रखेंगे कि जब भी अलार्म बजे तो आपको उठकर जाना पड़े उसे बंद करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो आज आपको डिनर बहुत हल्का करना होगा, और हो सके तो 6:30 PM तक अपना डिनर कर लें। ये आपको सुबह उठने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रहे कि डिनर करने के बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि डिनर करने के बाद सोते समय उनको चाय चाहिए होती है, दूध चाहिए होता है या फिर कॉफी चाहिए होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और डिनर करने के बाद मैक्स टू मैक्स 10:30 PM या फिर 11 PM तक आपको सो जाना। अब सुबह आपका अलार्म बजेगा, और जब आपका अलार्म बजे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी। आप उठेंगे, अलार्म बंद करेंगे, लेकिन आपको दोबारा से अपने बिस्तर में नहीं जाना है। आपने अपनी लेजीनेस यहीं पे छोड़नी है। अगर यहाँ आपने अपनी लेजीनेस नहीं छोड़ी और अपना बेड फिर से पकड़ लिया तो किस्सा ही खत्म हो जाता है। और किसी तरह अगर आपने अपनी लेजीनेस त्याग दी, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। जब सुबह सुबह अलार्म बजा तब आप उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी आपका माइंड तैयार नहीं है। तो अपनी लेजीनेस को खत्म करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को सिर्फ 5 सेकंड के लिए रब करना है और अपनी बंद आंखों पर रखना है। आपको ऐसा सिर्फ 3 बार करना है। ऐसा करने से आपकी आंखों से लेजीपन चला जाएगा और आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपको उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जब भी आप उठेंगे तो अपने राइट साइड में होते हुए उठेंगे। इस तरह उठने के काफी रीजन है जिन्हें पढ़कर आपको शायद हंसी भी आ सकती है, तो इसीलिए ये सभी रीजन मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। तीसरा स्टेप, आप अलार्म बंद करेंगे और 1 गिलास पानी पियेंगे। ठंडी के समय में आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी पीने से आपकी बच्ची कुची सुस्ती भी उतर जाएगी, और सुबह सुबह गर्म पानी पीने के बेनिफिट सभी को पता है। फ्रेंड्स, अगर अब भी आपको लेजीनेस फील हो रही हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, 1% भी अगर ऐसा होता है, तो आपको याद करना है अपना वो प्रॉमिस जो आपने मिरर के सामने खड़े होकर कल शाम अपने आप से किया था, और ये करने के बाद तो आपको कितनी भी लेजीनेस हो रही हो वो चली ही जानी है। गाइस, पहले दिन का जो आपका गोल था सुबह सुबह जल्दी उठने का, वो तो आप
आपने अचीव कर लिया बट अपने इस गोल को कंटिन्यू रखने के लिए आपको फॉलो करना है रूल 21/90। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे और जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, रूल 21/90 को फॉलो करते हुए अगर आप अपने गोल को 21 डेज तक अचीव करते रहे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और 90 डेज तक अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो ये आपकी लाइफ स्टाइल में बदल जाता है। 21/90 का मतलब ये है कि आपको कोई आदत छोड़नी हो या कोई बदलाव करना हो तो आपको वो चीज 21 दिन करनी होगी बिना चूके, और फिर 22वें दिन आपको जरूरत ही नहीं होगी कुछ करने की, आपका दिमाग खुद ही सब कुछ करने लगेगा। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह तो उठ गए लेकिन अब करें क्या? तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो आप वॉक कर सकते हैं, सुबह सुबह का सुंदर नजारा ले सकते हैं, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो वहाँ की वादियों की सैर कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि जिसको जल्दी उठने की आदत नहीं होती है, सडनली अगर उसको कुछ काम आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो लोग इसके लिए रेडी नहीं रहते हैं, और बहुत से लोगों को जल्दी ना उठने की वजह से घर वालों की डांट भी खानी पड़ती है। इस 21/90 रूल का इस्तेमाल करके आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब ये कि सुबह जल्दी उठने को अपनी लाइफस्टाइल में बदलने के लिए आपको सिर्फ 90 डेज तक इसको फॉलो करना है, और फिर आप महसूस कर सकते हैं कि इस लाइफस्टाइल से आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। गाइस, किसी भी काम को करना या ना करना वो डिपेंड करता है आपकी विल पावर पर, और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि सुबह सुबह आपका कोई बहुत जरूरी काम है जहां पर जाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप इजीली सुबह उठ जाते हैं और उस काम पे चले जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से अपनी विल पावर को स्ट्रांग किया हुआ है कि मुझे उस काम के लिए जरूर जाना। और दूसरा ये कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं सुबह सुबह तो आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आपको ना तो सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती है, और आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बात और बहुत गौर करने वाली है, वो ये कि इस दुनिया में हर रोज 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये वो लोग हैं जो रात को सोते तो जरूर हैं लेकिन उनको सुबह उठने का मौका नहीं मिलता, और जिनको ऊपर वाला ये मौका देता है वो एक बार भी उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करते। उठते हैं तो इतना मायूस होके कि जैसे उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सुबह उठने के बाद एक बार उस ऊपर वाले का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक और नया दिन देखने के लिए दिया है? क्या आपको उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए?